तो यो मित्रों, वेलकम बैक टू असल गेमर इंडिया अनदर वीडियो। एंड इस बार हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं M762 और AKM के बीच में। तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी गन्स हैं, AR हैं, और दोनों के दोनों 7.62 mm की बुलेट से चलती हैं। तो मैं आपको जल्दी से कंपैरिजन बता देता हूँ। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी ज्ञान मिलने वाला है, तो ये तब कर ही सकते हैं यार। तो आयरन साइट की बात करें तो हम लोग AKM को ज़्यादा यूज़ करते हैं आयरन साइट में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखती है। लेकिन ऑलमोस्ट M762 ज़्यादा स्टेबल गन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें स्क्रीन शेक बहुत होता है AKM में, और M762 में थोड़ा कम होता है। लेकिन रिकॉल के मामले में दोनों एक जैसी ही हैं। तो आयरन साइट में तो AKM ही बेस्ट है। और अगर रेड डॉट और होलोग्राफिक साइट की बात करी जाए तो वहाँ पर M762 ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें थोड़ा कम बुलेट स्प्रेड होता है, स्क्रीन शेक भी बहुत कम होता है, क्योंकि स्क्रीन शेक की वजह से कभी कभी एम भी इधर उधर हो जाता है। तो इस मामले में तो AKM थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन M762 काफ़ी जगह अच्छी हुई है इसी जगह। तो ये दोनों गन्स काफ़ी अच्छी हैं, तो यही कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दोनों में से उठाएँ कौन सी जाए। चलिए, तुम्हारे ये वीडियो लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो यहाँ पर ये देखिए 6x स्प्रे, तो आप ही बताइए किसका ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से AKM का 6x स्प्रे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुलेट स्प्रेड M762 का ज़्यादा है AKM से। और यहाँ पर इनके डैमेज की बात करें तो M762 का पर बुलेट डैमेज 47 का है, और वहीं पर AKM का है कितना था 49 का। तो यहाँ पर AKM ज़्यादा अच्छा डैमेज देती है। देखिए यहाँ पर ये ब्लास्ट करके भी मैं आपको व्हीकल दिखा देता हूँ, तो आप देख जाइए उसमें 21 बुलेट्स लगी थी M762 में, और इसमें देखने कितनी बुलेट्स लगती हैं। तो इसमें लगी हैं हम लोग की 19 बुलेट्स, तो यहाँ पर AKM विन होती है, और M762 थोड़ी सी बुरी हो जाती है। यहाँ पर बुलेट स्प्रेड के मामले में M762 काफ़ी बुरी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉइल है और बहुत बुलेट स्प्रेड होती है। मगर AKM वहाँ पर थोड़ी सी अच्छी आएगी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो M762 मुझे ज़्यादा पसंद है। मगर आपके हिसाब से कौन सी अच्छी होनी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, इतनी मेहनत करते हैं यार, कुछ तो चाहिए ना। तो ये दोनों ही गन्स काफ़ी अच्छी हैं, मगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे M762 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका फायरिंग रेट AKM से ज़्यादा है, फायरिंग रेट AKM से ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वही के लिए मुझे ये M762 ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि पहले अगर इसको चलाया तो जीत मेरी ही होने वाली है। तो मैं चाहूँगा रिव्यू में, जब तक के लिए बाय बाय।